तो लड़कों एंड लड़कियों, आज काफी समय बाद में अपने स्कूल के दोस्त से मिला और हम याद कर रहे थे स्कूल के वो दिन जब पॉकेट मनी खत्म होने के बाद भी दोस्तों के साथ चिल करने का मन करता था। और हमारी तरह आप भी सोचते होंगे कि स्कूल या कॉलेज में रह के पैसे कैसे कमाएं ताकि मस्ती भी पूरी करें और पैसे भी कम ना पड़े। तो लड़कों एंड लड़कियों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि आप इसको स्कूल या कॉलेज में रह के भी कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ ऐसे 5 फ्रीलांस से पैसे कमाने के तरीके जिसको देख के आप अपने लिए आईफोन, पीसी, लैपटॉप या बाइक या जो आपको खरीदना है वो खरीद पाओगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले तरीके से। तो आप लोगों को करनी है रिटेल ट्रेडिंग। पर ये रिटेल ट्रेडिंग होती क्या है? जब दिल्ली का लड़का है तो आपको गूगल में सर्च करने की क्या जरूरत है। तो रिटेल ट्रेडिंग सिंपल है। तो आप लोगों को लोकल मार्केट से सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदने हैं और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अच्छे प्राइस पर बेचना है। जैसे दिल्ली का चांदनी चौक, मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट, ये सब जगह बेस्ट है अपने सस्ते डील्स के लिए। जैसे एक स्नीकर को हम 500 से 700 रुपए में खरीदेंगे एक चीपेस्ट लोकल मार्केट से और फिर उसको बेचेंगे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे 700, 1000, 1200, 1500 रुपए में और हमको प्रॉफिट मिल जाएगा 500 से 1000 तक के बीच का। अभी जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान है नहीं, लेकिन जब आप इसके थोड़े से नॉलेज लोगे, थोड़ा कहीं पढ़ोगे और जानोगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप लोकल मार्केट से जाके 5 प्लेन टी शर्ट ही खरीद के लेके और ट्राई करने के लिए। आप इस इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने दोस्त, रिलेटिव्स, कजन, मम्मी पापा के ही से भी पैसे लो और अपने आस पास मार्केट में जाओ, जो टी शर्ट पे प्रिंट करते हैं वो मार्केट दुकान ढूंढो और गूगल से कुछ प्रिंट्स लेके आओ या अपने डिजाइन करो और उन्हें अपने टी शर्ट्स पे बना के कस्टमाइजेबल टी शर्ट बना के बेचो और 5 ही आप अपनी सेल करो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सेल हो जाएंगी और उस पर भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा और अगर ये काम चल गया तो आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा। और आपको इन्हें सेल करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपको इंस्टाग्राम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक मार्केट प्लेस पे प्रोफाइल बनाते वक्त अच्छी फोटोज लेनी है और अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखना है। याद रखना है कि जितनी अच्छी लिस्टिंग होगी उतनी ज्यादा सेल्स भी होगी। और अगर आपको लिस्टिंग के बारे में और जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF भी डाल दिया है, चेक कर लेना। और एक मजे की बात बताता हूँ कि क्या आपको पता है कि 70% स्टूडेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। सोचो आपके दोस्त लोग भी आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। और जितना ज्यादा सीजनल आइटम्स में इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा सेल्स बढ़ने के चांसेस रहेंगे और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जैसे विंटर्स में जैकेट्स, समर्स में सनग्लासेस और दिवाली पे लाइटिंग्स। पर अगर आपके पास जीरो इन्वेस्टमेंट है और आपको महीने के 20 से 25 हजार रुपए कमाने हैं तो ये आइडिया आपके लिए परफेक्ट है। और मजे की बात तो ये है कि इसको स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी आराम से कर सकते हैं, जिसका नाम है गोस्ट राइटिंग। गोस्ट राइटिंग में आप लोगों के लिए लिखते हो, जैसे कंपनी के CEOs, फाउंडर्स जो कंटेंट डाल के अपनी अथॉरिटी को शो करना चाहते हैं। स्पेशली जो स्टार्टअप्स के फाउंडर्स होते हैं जो मोटिवेशन स्टोरीज डालते हैं और अपने आइडिया दूसरों को बताते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है, तो आप उन लोगों के लिए एज अ गोस्ट राइटर भी काम कर सकते हो। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने फोन से भी कर सकते हो। और अगर आपके पास ही फोन नहीं है तो फिर निकालो मम्मी का फोन और हो जाओ कार्यक्रम करने के लिए शुरू। आपको बस 10 से 15 पोस्ट लिखनी है और 10 से 20 हजार पर मंथ कमा सकते हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये आइडिया परस्यू करना है तो आपका लिंक्डइन और ट्विटर प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी कंटेंट राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब लास्ट चीज इसमें ये ध्यान रखना कि जो लोग आपको 10 से 20 हजार रुपए दे रहे हैं 10 से 15 पोस्ट लिखने के लिए वो A1 क्वालिटी एक्सपेक्ट करेंगे, तो अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करो और अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ। लड़कों लड़कियों, अगर आप भी अपने बिजनेस या फ्रीलांस के लिए आगे कदम बढ़ाते हो लेकिन टालते रहते हो हर बार कि छोड़ो यार कौन करेगा इतनी मेहनत, तो आज मैं आपको बताता हूँ एक इजी तरीका। तो आप भी बना सकते हो एक प्रोफेशनल वेबसाइट बिना किसी कोडिंग के झंझट के। तो आप लोगों के लिए आ गया है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर। होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर एक ऐसा टूल है जहां से बिगिनर्स भी आसानी से बिजनेस साइट, पोर्टफोलियो या ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं AI की मदद से। और हाँ, कोई कोडिंग स्किल या टेक्निकल एक्सपर्टीज की भी जरूरत नहीं है। और इसमें है कुछ मस्त मस्त से फीचर जैसे AI राइटर, AI लोगो मेकर, AI हीट मैप, मोबाइल बिल्डर, ई कॉमर्स टूल्स, वो भी बिना किसी हिडन चार्ज के। और ये सब फीचर्स एक ही प्लान में इंक्लूड है, सिर्फ 129 रुपीज पर मंथ से शुरू होता है। सबसे पहले हम ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, फिर होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर पर सेलेक्ट करके स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करेंगे, फिर हम वेबसाइट टाइप सेलेक्ट करके ब्रांड नेम डालेंगे और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और लो हमारी वेबसाइट तैयार।
और एक मजे की बात बताता हूँ, इधर आपको मिलता है फ्री डोमेन, ईमेल और 100 वेबसाइट्स को एक अकाउंट से मैनेज करने की सुविधा और 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट भी। तो लड़कों और लड़कियों, वेट किस चीज का कर रहे हो? जल्दी जाओ और अपनी वेबसाइट लॉन्च करो होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाके अभी साइन अप करो। और इधर अभी मॉनसून सेल भी चल रही है, और अगर 10% डिस्काउंट चाहिए तो मेरा यूनिक प्रोमो कोड आप यूज कर सकते हो जो की है लड़का10। तो लड़कों और लड़कियों, क्या आपको गिटार बजाना आता है या फिर पियानो या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट? तो एक और तरीका है जिससे आप एज अ स्टूडेंट पैसे कमा सकते हो, वो भी अपने म्यूजिकल टैलेंट का यूज करके। तो आप अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हो तो आप अपने आसपास के बच्चों को म्यूजिक लेसन दे सकते हो, और आप लोकल कैफेज, लोकल रेस्टोरेंट्स या फिर कॉलेज इवेंट्स में जाके परफॉर्मेंस दे सकते हो, और आप मंथली 5-10 हज़ार वीक कमा सकते हो ऐसे करें। और आजकल तो ऑनलाइन लर्निंग का ट्रेंड है, तो आप अपने म्यूजिक के पैशन को दूसरों को सिखा के भी पैसे कमा सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने स्किल्स को भी बेच सकते हो, और जो स्टूडेंट्स हैं लोकल या ऑनलाइन उन सबको आप सिखा के भी 10-15 हज़ार पैसे कमा सकते हो। तो लड़कों और लड़कियों, अभी तक हमने देखा कि हम कैसे रिटेल ट्रेडिंग, गोस्ट राइटिंग और इंस्ट्रूमेंट से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अब हम एक और इंटरेस्टिंग तरीके के पास चलते हैं जो कि है वीडियो एडिटिंग। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो ये बहुत बढ़िया स्किल है पैसे कमाने के लिए, लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि YouTube पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है जहाँ से आप फ्री में वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, और आपको कोई कोर्स करने की भी जरूरत नहीं है। बस YouTube से सीखो ये सोच के कि आपको पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने का पहला जो रूल होता है वो होता है हुनर सीखना। तो वीडियो एडिटिंग एक बहुत अच्छा हुनर है, लेकिन सवाल ये आता है कि काम कहाँ से मिलेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहाँ से आप काम सकते हो, और मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है फ्रीलांस के ऊपर जहाँ पे मैंने वेबसाइट्स के बारे में मेंशन करा है, जैसे फाइवर, फ्रीलांसर, फ्रीलांसर, बहुत सारी और भी। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ Behance.net के बारे में। यहाँ पर आप अपने सारे डिटेल्स अपलोड कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, और जॉब सेक्शन में जाके सेलेक्ट करो कि आप क्या करना चाहते हो, फुल टाइम जॉब, फ्रीलांस या फिर इंटर्नशिप। और एक मजे की बात यह है कि यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फ्रीलांस या जॉब ढूंढ सकते हो, जैसे फैशन या ब्रांडिंग या 3D मॉडलिंग या वीडियो एडिटिंग, कुछ भी। तो हम लोग कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे वीडियो एडिटिंग, और यहाँ पे हमको हर तरीके की वीडियो एडिटिंग की जॉब या फ्रीलांस वर्क भी मिलेगा। इमेजिन करो आप एक कूल सी म्यूजिक वीडियो को एडिट कर रहे हो, या फिर किसी कंपनी का प्रमोशनल वीडियो या फिर इवेंट की वीडियो को एनहांस कर रहे हो, और इस काम के लिए आपको पैसे ही मिल रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो लड़कों और लड़कियों, अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो और आपको वीडियो एडिटिंग भी आती है, तो अभी Behance.net पे अपना पोर्टफोलियो बनाओ, और पता नहीं कब कौन सा बिग प्रोजेक्ट आपका वेट कर रहा हो। तो लड़कों और लड़कियों, फिफ्थ पॉइंट आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप एक बिगिनर हो। अब कैनवा के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। अब कैनवा एक इजी टूल है बिगिनर्स के लिए। अब यहाँ पे आप बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के भी टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो, और उन डिजाइन को ऑनलाइन बेचकर पैसे भी कमा सकते हो। तो इसके लिए आपको कैनवा पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और कुछ यूनिक डिजाइन बनाने हैं। और अगर आप बिगिनर हो तो आप पिंटरेस्ट और बिहान जैसी वेबसाइट से डिजाइन की इंस्पिरेशन ले सकते हो, और जब आपका डिजाइन रेडी हो जाए तो उसे कैनवा पर शेयर करो और टेम्पलेट का लिंक कॉपी करो, और इसी टेम्पलेट लिंक के थ्रू कस्टमर्स आपके डिजाइन को यूज कर पाएंगे और आपको पैसे मिलेंगे। पर अब आप ये सोचोगे कि इन टेम्पलेट्स को आप सेल कहां करोगे? तो वेबसाइट जैसे Etsy और क्रिएटिव मार्केट है जहां पर आप अपने टेम्पलेट्स को सेल कर पाओगे, और अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के भी इनको सेल कर सकते हो। Etsy एक पॉपुलर मार्केट प्लेस है हैंडमेड आइटम्स के लिए, और क्रिएटिव मार्केट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है डिजाइनर्स के लिए। और अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हो तो आप अपने टेम्पलेट्स का लिंक शेयर करके भी लोगों तक पहुंच सकते हो, या फिर अच्छी अच्छी रील्स बना के अपनी वेबसाइट के बारे में, अपने डिजाइन के बारे में रील्स अपलोड करके आप इंस्टाग्राम से भी व्यूवर्स लेके अपने कस्टमर्स बना सकते हो। तो अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो और डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो कैनवा से टेम्पलेट्स क्रिएट करो और उनको ऑनलाइन बेचकर इनकम जनरेट करो और अपने शौक पूरे करो पैसे कमा के। तो लड़कों और लड़कियों, ये था आज की वीडियो का कार्यक्रम, ये थे अमेजिंग 5 वेज जहाँ से आप एज अ स्टूडेंट पैसे कमा सकते हो स्कूल या कॉलेज में रहकर भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और पुराने हो तो लाइक और कमेंट दोनों करना, ठीक है? तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सपने देखते रहो, क्योंकि जब तक सपने देखोगे नहीं उनको पूरा नहीं कर पाओगे। मैं भी देख रहा हूँ 500,000 का, ठीक है? सब्सक्राइब करो, 500,000, 2 words। ओके बाबा, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।